मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अजीब बात है, लोगों से छीन लो तो दे देते हैं, अंधा बनकर मांगो तो कोई नहीं देता। अंधा बन बन के ऐसा लगता है अंधा ही हूं मैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा बेटा, कोई तो मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अंधे की मदद कर दे? हाँ रख दे रख दे। एक किलो प्याज 60 रुपए, मम्मी जी को बताऊंगा 70 रुपए। कोई है जो अंधे की मदद कर दे? क्या बदतमीजी है? यही तो मैं कह रहा हूँ, क्या बदतमीजी है, एक अंधे को देखकर भी उसकी मदद नहीं कर रहा कोई। अबे भाई मैं तो खुद मदद का तलबगार हूँ, जा यहाँ से, माफ कर। क्या पता मैं तुम्हारे काम आ जाऊँ और तुम मेरे काम आ जाओ, जरा सोचो सोचो सोचो। अपने साथ मिला के भीख मंगवाने का प्रोग्राम है क्या? भाग। अरे अरे क्या बदतमीज है, तू तो वाकई अंधा है। यहाँ बैठ। हाँ, तुम्हारी तो सोच ही भिखारियों वाली है। मैं तो सोच रहा था किसी ऐसे शख्स को तलाश करूं जो मुझे आज की ताजा खबरें पढ़ के सुनाए। भाई तुझे अंदाजा नहीं है मुझे कितने काम है, मम्मी जी ना इंतजार कर रही होंगी, घर पे खाना पकना है, ऊपर से तूने मेरा हिसाब सारा खराब कर दिया, ठीक है ना? तो मैं तो चलूं, ये किसी और से सुन लेना तू। भाई वो बड़ी बड़ी सुर्खियां पढ़ के सुना दे यार, क्या जाएगा तेरा, दो मिनट लगेंगे यार। तेरी तो पता नहीं कहां से टकरा गया तू। तू तो वाकई अंधा है। क्या हो गया भाई? हाँ हाँ सुना रहा हूँ। ये सेठ हाशिम का इकलौता बेटा है, घर से नाराज होकर कहीं चला गया। ये नाबीना है, जो भी इसकी इतला देगा उसको इनाम में 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या हुआ भाई? हाँ हाँ क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं। आप यहाँ क्यों बैठे? उठिए। आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं आपको अखबार पूरा पूरा का पूरा पढ़ के सुना दूंगा। ससुर जी। ससुर जी। समझ गया भाई, समझ गया। प्रैक्टिस के लिए लायो ना, जब निकाले जाओगे कोई ना कोई तो हुनर आना चाहिए ना भाई। अरे नहीं सर जी, मैं ये देखे। सेठ हाशिम का छोटा बेटा घर से नाराज होकर कहीं चला गया, ये नामी नाया जो जिसको। क्या कर रहे हो भाई, किधर हो? ये तुम क्या कर रहे हो यार? अगर तुम्हारी मम्मी जी को मालूम हो गया ना तो ऑफिस से आने ही वाली होंगी यार। जी मम्मी जी को मैं राजी कर लूंगा, 1 करोड़ का सवाल है। कितने बताए? 1 करोड़। भाई क्या खुसुर पुसुर हो रही है, किधर हो? सुने अंधे भाई, ये आप पैदाइशी नाबीना है या नहीं? नहीं, पैदाइशी तौर पर तुम्हें साफ साफ देख सकता। मेरा मतलब है कि पैदाइशी तौर पर मैं सही था, ये एक हादसे का नतीजा है। एक अंधेरी सड़क थी, मैं जा रहा था, रात के 3 बज रहे थे, हवाएं चल रही थी, शुआ। एक बिल्ली नजर आई, बिल्ली बोली भाऊ 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 वाले नहीं भाऊ भाऊ, असल में कुत्ते ने कहा था। जब मैंने दूसरी आवाज सुनी तो मुझे पता चला कि इधर कुत्ता है, कुत्ता भाऊ भाऊ कर रहा है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, कुत्ता भाऊ भाऊ कर रहा है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। वहां से टक की आवाज आ रही, पाओ पाओ पाओ, बिल्ली म्याऊ कुत्ता भाऊ, टक पाओ, बिल्ली म्याऊ कुत्ता भाऊ, बिल्ली म्याऊ कुत्ता भाऊ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कुत्ता भाऊ।
नहीं कुत्ता नहीं, टक पापा मैं जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ। मम्मी जी जरा सोचें। क्या सोचूं? जरा सोचें, अगर आप ये 1 करोड़ रुपया हम सब में बांट भी देती हैं तो आपके हार श्रृंगार के लिए और बिजनेस के लिए कितना पैसा बचेगा? अरे तो ये किसने कह दिया कि मैं पैसे बांटने वाली हूँ? बात ये है कि अगर आप खर्च करें, हमें बांट भी दें थोड़ा थोड़ा, तो हम घर में ही खर्च करेंगे ना। हाँ ना मामा, और ये सोचें कि इन बचे हुए पैसे से ये लड्डू मुझे जेवर भी लाके दे सकते। क्यों लड्डू, बताओ ना। हाँ बेगम, मैं भी आपके लिए एक बेहतरीन सब पट्टा बनवाऊंगा। गुलाब, मेरा मतलब है कि वो दरदोरी के काम का दुपट्टा बनवाऊंगा। अच्छा भाई, ये बातें तो होती रहेंगी, अरे आप दोनों जाकर उसकी कुछ खातिर तवाजो तो कीजिए, और मुझे ये बताएं कि सेठ हाशिम को किसी ने फोन भी किया या नहीं? नहीं, वो तो नहीं। अरे तो क्या इनाम खुद चल के आएगा? तो हम तो आपका इंतजार कर रहे थे बेगम। हद से ज्यादा निकम्मे हैं आप लोग। अच्छा चलें, जाएं, जाकर उसका ख्याल रखें। अरे कहीं चला ना जाए। लड्डू? अरे जाएं। जी 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 जी। देख सकता है ये तो, बड़ा चालबाज है ये। बेटा तुम बोर तो नहीं हुए ना? नहीं जी, मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे वॉशरूम जाना है, बहुत जल्दी जाना है। हाय हाय हाय, एक काम करो, यहाँ से सीधे हाथ पे जाओ, सीधा सीधे जाना, उल्टे हाथ पे मुड़ जाओ, आ जाएगा वॉशरूम। क्या हो गया यार? मैं खुद लेके जाऊंगा। हेलो, सेठ हाशिम ही बोल रहे हैं ना आप? जी जी जी, बोलिए। मैं तानी बेगम बोल रही हूँ। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि मुझे लोन की जरूरत नहीं है, मैं बैंकों को करोड़ों रुपए लोन देकर पहले ही फंस चुका हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, हम कोई आपसे कुछ मांग थोड़ी रहे हैं, कोई लोन वोन नहीं चाहिए हमें, मुझे तो आपको आपके बेटे की इत्तला देनी थी। बेटा? मेरा बेटा कैसा है, कहाँ है? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका बेटा महफूज हाथों में है, हमारे घर में है, वो साथ खैरियत के है। बस आप तो इनाम की रकम लेके फौरन यहाँ आ जाइए। जी जी मोहतरमा, मैं आता हूँ, मैं अभी स्विट्जरलैंड में हूँ, एक जरूरी मीटिंग में, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं आता हूँ। आप स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ कब आएंगे? बस आज रात। मोहतरमा आपको थोड़ी सी जहमत होगी, बस सुबह आकर मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा। जी ठीक है ठीक है, इनाम की रकम साथ ही लेते आइएगा। जी अल्लाह हाफिज। देर हो गई, इतनी देर से वॉशरूम में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। छोड़ के आगे और टकराता फिर रहा होगा यार, मुझे नहीं पता। दरवाजा तो खुला रख के आ जाते हैं, कहाँ है? हाँ भाई यही है भाई, यही है, तलाश कर रहे हो क्या? अबे ओ अंधे, अब महाराज महाराज महाराज, मेरा हाथ पकड़िए महाराज। जी जी, ये छोड़िए, आइए आइए आई आई, नहीं नहीं सीधा नहीं, सीधा नहीं महाराज, इधर। अरे बैठ जा, सोफे पे बैठने आए हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो? हाँ जी। अच्छा भाई, आप कैसा महसूस कर रहे हो? बागीचे से थोड़ी आ रहा हूँ, वॉशरूम से आ रहा हूँ, कैसा महसूस करूंगा? अच्छा छोड़े ना, ये बताएं कि आप खाने में क्या खाना पसंद करेंगे लड्डू के अलावा? हलाल। लगता है बहुत दिनों से नहीं खाया। बेटा मेरी तुम्हारे वालिद सेठ हाशिम से अभी अभी बात हुई है, वो स्विट्जरलैंड में है, मीटिंग में बिजी थे, कहने लगे कि फ्री होते ही तुम्हें लेने चले आएंगे। क्या आपकी मेरे वालिद साहब से बात हुई? उनका नाम भी ना लीजिए मेरे सामने, मुझे उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं जाना उनके साथ। मगर क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? वो तो तुम्हारी गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान है। झूठ बोलते हैं,
अगर परेशान होते तो स्विट्जरलैंड नहीं जाते ना। बचपन से लेके आज तक उन्होंने मुझे बाप का प्यार नहीं दिया। सारी जिंदगी पैसा 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 अल्लाह की वजह से जिंदगी से अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना। बस बेटा बस कर दो बस, मैं हूं ना मुझे अपनी माँ ही समझो। आज मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से उसकी पसंद की डिश बना के खिलाऊंगी। माँ थैंक यू माँ। लेकिन मेरा बेटा अपनी माँ का कहना मानेगा ना, है ना? अपने वालिद के साथ घर जाओगे ना बेटा? अगर आप कह रही हैं तो ठीक है। अच्छा तो बस मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बना के ला। लड्डू बेटा जाओ ना इनको इनके रूम तक पहुंचा कर आओ, था क्या होगा मेरा बच्चा। जी 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 मम्मी हुजूर जी। गुलाम गुलाम आ गए तुम। अबे ओ अंधे भाई, मैं तुम्हारे बाप की उम्र का, अगर मुझे गुलाम साहब कहने तो बड़ा अच्छा। हमारे में गुलाम को गुलामी कहा जाता है, साहब सिर्फ साहब होता है। जाओ खाने पीने के लिए कुछ लेके आओ। अच्छा भाई, ये आर्टिफिशियल संतरा है, किसी का बाप भी नहीं खा सकता। पहले बताते ना। नहीं मुझे दे, मुझे। अरे भैया मुझे दे। और कुछ चाहिए? नहीं। खाना खा लिया मेरे बेटे ने। माँ तुम आ गई। माँ क्या बात है बेटा? माँ वो 2 लाख रुपए चाहिए थे अभी के अभी। 2 लाख अभी के अभी? मगर क्या करोगे आप? किसी से उधार लिए थे और माँ जब तक मैं उधार वापस नहीं कर दूंगा ना घर नहीं जाऊंगा मैं। बेटा ऐसा करो ना कि अपने वालिद से बात करके देखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वालिद का नाम मेरे सामने ना ले। वालिद से मांगने होते तो मैं आपसे क्यों मांगता? सही लगता है मुझे, अंधे की माँ नहीं हो सकती। आप अंधे की माँ नहीं हो सकती। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा रुको, ऐसा मत करना। मैं अभी आती हूँ, अभी आई मैं। हाँ अभी आ रही हूँ। नहीं 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 भाई दे गुलाम तुम इधर ही हो ना? भाई वॉशरूम लेके जाओ, मुझे जल्दी से वॉशरूम लेके जाओ। अबे तो भाई इतना खाया क्यों था कि फौरन ही वॉशरूम जाना पड़े? भाई जल्दी लेके जाओ वॉशरूम। मेरा बैग दो, मेरा ये है बैग। बैग क्यों लेके जाते हैं वॉशरूम भाई आप? चल जी। हेलो हाशिम साहब, मैं बोल रही हूँ, तानी बेगम। जी जी मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक है ना? जी जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है। बस एक मसला है। वो क्या? मुझे वो आपसे कुछ नाराज सा लगता है। कहता है किसी से पैसे उधार लिए थे 2 लाख रुपए, वो वापस करने 2 लाख रुपए चाहिए उसको, वरना वो घर से भाग जाएगा। नहीं नहीं जानी बेगम। जानी नहीं तानी बेगम। जी जी वही वो जो कहता है उसकी बात मान ली। उसको 2 लाख चाहिए, आप 3 लाख दें, मैं सुबह आऊंगा तो 3 लाख रुपए लेता आऊंगा।
अबे अंधे, इधर उधर क्या देख रहा है? क्या देख यहाँ? क्या हो गया सुसर जी? अंधा मैं नहीं हूँ, वो है वो। अंधा तू ही है, अकल का तो था ही, अब आंख का अंधा भी हो गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? यही कह रहा हूँ, वो अंधा तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। अरे हाँ सुसर जी, बताया मैं, कभी चाय पी रहा है, कभी कावा पी रहा है, कभी खाना खा रहा है, कभी शरबत पी रहा है, पागल बनाया हुआ घर वालों को उसने। अरे मेरे निकम्मे घर दामाद, वो अंधा सब कुछ देख सकता है साफ साफ, वो तुम्हें यहाँ बेवकूफ बनाकर सब कुछ लूटने के लिए आया है। क्या कह रहे हैं आप सुसर जी? लेकिन आपकी इस बात पे यकीन कौन करेगा? यकीन तो तेरी बात का भी कोई नहीं करेगा, मुझे जो कुछ बताना था वो बता दिया बस। जी जी ठीक है ठीक है, मैं दे दूंगी, और वो इनाम की रकम भी अलग से लेते आइएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस मेरे मासूम नाबीना बेटे की फरमाइशें सुन ले। जी ठीक है। गुलाम, गुलाम। हाँ हाँ हाँ, आ गया हूँ। अरे डंडी को संभालो यार। हाँ आ बैठ जाओ, सोफे बैठ के बात करेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं बैठना, मुझे इस घर में ही नहीं रहना, मेरी माँ ने मेरा काम नहीं किया। अरे 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 अरे, मेरा बच्चा मेरा बेटा है, क्यों नहीं माँ ने काम किया? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दे रही हूँ ना मैं अपने बेटे को 2 लाख रुपए। लाइए फिर पैसे। वो दरअसल बात यह है कि घर में तो इतना कैश नहीं था ना, तो मैंने ऑफिस फोन करके मंगाए हैं पैसे, जैसे ही वो मुझे पैसे देगा ना मैं अपने बेटे के हाथ पे रख दूंगी। मेरी प्यारी माँ। तेरी माँ इस तरफ खड़ी है, लेकिन ममता की खुशबू इस तरफ से आ रही है। इधर भी सूंघ के देख, बापता की खुशबू है। इधर से बाम की खुशबू आ रही है, ममता की इधर से आ रही बाम। गुलाम, मैं जरा बाहर टेरेस पे जा रही हूँ, मेरे बेटे को लेकर उधर ही आ जाइए ना। अब देखिए ना, कब से अंदर बैठा हुआ है बेचारा, जरा ताज़ा हवा में लेकर आइए। और हाँ सुने, 2 कप चाय भी वहीं लेकर आ जाइएगा। आओ बेटा। जी चले भाई गुलाम। आइए आइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ हाँ। ओ भाई चेक करना पड़ेगा भाई, मुझे शक हो गया है इसे नजर आता है। मेरा ख्याल है कि हमें इस अंधे का ऑपरेशन करा देना चाहिए। ऐसा करें कि दुनिया के सारे अंधों को ले आए, सबका इलाज करवा देते। नहीं बेगम, आप समझ भी नहीं है, मेरा एक दोस्त है जो बीनाई का मुफ्त इलाज करता है, और वो भी चंद घंटों में बीनाई वापस आ जाती है। अब सोचे बेगम, उस अंधे की बीनाई वापस अगर आ गई तो उसका बाप तो खुश होके हमें 1-2 करोड़ तो यूं ही दे देगा। क्या ख्याल है? अरे गुलाम बाबा, मरीज यही है भाई, यही है यही है। हाँ। अरे बाबा नजर आ रहा है या नहीं? अंधे को कैसे नजर आएगा? अरे गुलाब बाबा फिकर ही नहीं करो, अभी ऑपरेशन करते इसका। ऑपरेशन होगा? नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन से बीनाई थोड़ी सही होगी, ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं नहीं अंधे भाई, आप परेशान ना हो, अरे ये ऑपरेशन ऐसा वैसा नहीं है, ये तो बड़ा, ये समझ लो बड़ा खास ऑपरेशन है, ये तो पता भी नहीं चलेगा आपको, यूं शपक करके आ जाएगी बीनाई। अरे गुलाब बाबा, सामान लाया है वो जो बोला था? अब लाए लाए डॉक्टर साहब। बाबा निकालो निकालो, जल्दी करो। बगैर दम के। आय हाय आय हाय, बहुत तेज है, सामान तो पूरा लाया है भाई। ये देखो, इससे तो टाके लगेंगे, टाके। ये लड्डू जी पकड़ो। अब
अरे क्या कर रहे यार, ये क्या सामान लेके आए यार? ये तुम तो अंधे हो, तुम्हें ये सब कैसे नजर आ गया भैया? देखो अरे फलाना, बाबा जल्दी गरम कर। अरे आहिस्ता बोले, ये तो आग की आवाज सुन के गरम हो जाएगी। अब दूसरी तरफ से क्या होगा इसका? लीजिए, अभी मेरा हाथ जला है तो आपसे किसने कहा था यहाँ से पकड़ ले? सारे नाम गिनवा दिए चीजों के, देख ले आप। धोखेबाज गुलाम फौरन पुलिस को फोन मिलाए, भेजे इस फ्रॉडियो को जेल। पुलिस को बुलाने से पहले मेरा ख्याल है इसको सचमुच का अंधा कर देते हैं। नहीं, मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।